हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर ब्लॉग। तो आज हमारे बुलेट का दूसरा सर्विस होने वाला है, तो आज बढ़ते हैं दूसरे सर्विस की ओर। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा हमारा रॉयल इनफील्ड का सर्विस सेंटर जो खबरा मुजफ्फरपुर में है। आगे बढ़ते हैं अंदर की ओर, पहले अपने गाड़ी का एंट्री और जॉब कार्ड बनवाते हैं। ये रही अपनी धन्नो पहले लाइन में खड़ी, बाकी गाड़ियां खड़ी है सर्विस के लिए। अपना जॉब कार्ड बनवा लिया है और वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। पूरा वेटिंग रूम सुनसान है, बस पहले नंबर पर ही अपनी गाड़ी है। स्टाफ के आते ही 10 बजे से हमारा काम शुरू हो जाएगा। वॉशिंग के लिए गाड़ी को अंदर ले जाया जा रहा है। अपने बे में लगाने के लिए मैकेनिक बाइक अंदर लाते हुए सबसे पहले उन्हें साइलेंसर में कुछ परेशानी दिखी तो वो उसे पहले ठीक करते हैं, फिर हाइड्रोलिक के द्वारा गाड़ी को ऊपर किया जाता है। ये हमारा एयर फिल्टर का काम समाप्त हो गया, इसे साफ करके गाड़ी में फिर से लगा दिया गया। गाड़ी में प्लग की जांच की गई, उसे अच्छे तरीके से साफ कर फिर लगा दिया गया। साथ ही गाड़ी में चैन की बेहद अच्छे तरीके से सफाई होती है, चैन टाइट किया जाता है। गाड़ी में इंजन ऑयल की थोड़ी सी कमी हो जाने पर फिर से लगभग 150 ml डाल दिया जाता है। बाइक की सर्विस पूरी हो चुकी है, अब बाइक को नीचे उतारा जा रहा है। ये आखिरी में क्लच का काम किया जा रहा है, क्लच थोड़ा सा एडजस्ट कराया मैंने। गाड़ी के हर मूविंग पार्ट पे ऑयल डालकर उसे फ्री करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ हमारा सेकंड सर्विस का ये टर्न पूरा हुआ। मैकेनिक बाइक को फिर से आखिरी बार टेस्ट ड्राइव के लिए ले जा रहे हैं और वे टेस्ट ड्राइव कर वापस लौट के गाड़ी में कोई भी परेशानी नहीं थी, जिसके बाद हम निकल पड़ते हैं बिल बनवाने। बिल बन जाने के बाद अब हमारी आखिरी एक और काम बच गई थी, पेमेंट करना। और बिल आप जान के हैरान हो जाएंगे, ओनली 167 रुपीस का था, जिसे हम लोग पेमेंट कर आगे निकल जाते हैं। ये रहे मोनू जी और ये हमारी बाइक का हमेशा सर्विस किया करते हैं, और बगल में ये कुंदन जी हुए जो जल्दी से काम हमारा पूरा करवा दिए। फाइनली हमारा सर्विस हो चुका है, हम निकलते हैं। ये गौतम मोटर्स, तो ओवरऑल हमारा सर्विस हो चुका है।
और जहाँ तक कि सर्विस, सेकंड सर्विस में कुछ खास होता नहीं है, तो सर सर्विस पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद हम अपने घर आ जाते हैं। टोटल अच्छे तरीके से सर्विस हुआ, अपने पहचान के लोग थे वहाँ, जिस कारण सर्विस जल्दी में हो गई, टाइम पे छोड़ दिया गया। तो सेकंड सर्विस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।